तो फ्रेंड्स, इस हीटर को बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह का एक बॉक्स ले रहा हूँ जो कि एक इलेक्ट्रिक केटल का है। तो भाई दोस्तों, इस बॉक्स के ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर मैं इसको कट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है। इस गोल को मैं इधर से बाहर कर लेता हूँ। मैं इस बॉक्स को फिर से बंद कर दे रहा हूँ अभी के लिए। फिर मैं आपको इनसे थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। तो दोस्तों, यह है डीसी मोटर और यह इसका ब्लेड। तो दोस्तों, और यह है एलईडी। तो दोस्तों, इस एलईडी लाइट को मैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट की ज़्यादा यूज़ करूँगा क्योंकि ये एलईडी जलते वक्त बहुत ज़्यादा हीट होती है। और है ये एचपीएसटी स्विच। तो फ्रेंड्स, अब हम बॉक्स के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं जिनमें के अंदर मैं स्विच को फंसाऊंगा। मैंने इसको कट कर लिया है। तो फिर दोस्तों, मैंने इसके ऊपर स्विच को लगा दे रहा हूँ टेम्पोररी। फिर मैं इस डीसी मोटर को आपको इधर फिक्स करके दिखाता हूँ। इधर भी मैं एक कट लगाया था कुछ इस तरीके से, ये आसानी से फिक्स हो जा रहा है। फिर मैं इन एलिमेंट यानी कि एलईडी को जलाकर आपको दिखा देता हूँ कि ये कितनी ब्राइट लाइट से ग्लो करती है और ये कितना हीट होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़्यादा ये ब्राइटनेस से ग्लो हो रहा है और इसका पीछे का हिस्सा पूरा बहुत ही ज़्यादा गर्म है और जो इससे लाइट निकलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए मैं इसको एलिमेंट के जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसको ये अगर कार्डबोर्ड को जला सकता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर मेटल की सीट कुछ इस तरीके से लगा दे रहा हूँ। इसकी वजह से कार्डबोर्ड नहीं जलेंगी। आप इसकी जगह फाइबर स्लिप भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस एलईडी को यानी कि एलिमेंट को मैं इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से फिक्स कर दे रहा हूँ। इनकी जगह मैं बाद में नीचे किया था, लेकिन अभी के लिए मैं इसको साइड में ही लगा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। फिर मैं कनेक्शन किया हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया है कि दोनों एलईडी लिया हूँ और उनको दोनों लेग मैं आपस में कनेक्ट कर लिया हूँ। और ये है एक यूएसबी केबल, और यूएसबी केबल को दो वायर मैं दोनों एलईडी से कनेक्ट कर लिया हूँ। आपने देखा दोनों एलईडी ग्लो कर रहा है। फिर मैं इसको स्विच से कनेक्शन दे दिया हूँ। इसका कनेक्शन तो बहुत ही अच्छा है, आसान है। स्विच दबाने से बाद ही एलईडी जल रहा है। मैंने यूएसबी केबल को यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया था। फिर मैं एक मोटर ले रहा हूँ, इस मोटर को मैं इधर फिक्स कर दे रहा हूँ। फिर मैं मोटर को फेविक्विक की सहायता से अच्छे से फिक्स कर दे रहा हूँ। फिर मैं ब्लैक टेप के सहायता से जो तार है ये प्रोपेलर में ना फंसे, इसीलिए मैं इनको आपस में इस तरीके से मैं रोक दे रहा हूँ। फिर मैं इसका प्रोपेलर को लगा दिया हूँ और मोटर का कनेक्शन भी सेम है, जिस एलईडी के सेम कनेक्शन। एक तरफ को यूएसबी केबल में दे देना है और एक तरफ को एक स्विच के एक लेग में देना है और स्विच से दूसरे लेग में आपको और एक वायर दे देना है। आई होप आपको इसका डायग्राम नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर पड़ेगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका डायग्राम भी दे दूँगा। लेकिन आई होप आपको ये कनेक्शन समझ आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं स्विच में इसको कनेक्ट कर लिया हूँ। आपने देखा मोटर कितनी अच्छी तरीके से रन कर रहा है। आपको इसको बनाने के लिए दो यूएसबी केबल चाहिए, एक मैं व्हाइट लिया हूँ और एक मैं ब्लैक लिया हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा स्टेपलर में कैसे पिन भरते हैं इसका ट्यूटोरियल भी दे दिया हूँ। ये तो सिर्फ मजाक के लिए है। फिर मैं स्टेपलर से इस तार को कुछ इस तरीके से रोक दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। फिर मैं दोनों यूएसबी केबल को
जो मैंने इधर छेद कर कर मैं इनको बाहर निकाल दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और भी सेलेक्ट कर दो। तो दोस्तों आप इस बॉक्स को हम क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने कुछ कमी दिख रही है? हाँ दोस्तों, इसका जो एयर बाहर आने का मुंह है वो खुला है, इसके अंदर हम बाम्बू जो स्टिक होती है वो कुछ इस तरीके से लगा दे रहे हैं, जिसके वजह से सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एलईडी टेस्ट कर दे रहा हूँ, हमने देखा कितने अच्छे तरीके से ग्लो कर रहे हैं और ये हीट भी हो रहे हैं, इसीलिए तो मैंने इसको एलिमेंट की जगह यूज़ किया है। और इधर मैं फैन को भी चला कर आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइट मैं ऑन करता हूँ कुछ इस तरह। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से ये फैन भी वर्क कर रहा है, इसका हवा भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से इस हीटर को लगाया है, एलईडी का वायर मैंने अडेप्टर में दिया है, एक 4 वोल्ट 1 एम्पियर का अडेप्टर। और जो फैन वाला यूएसबी केबल है वो मैंने कुछ इस तरीके से चार्जर के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया है, और फैन भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। आप इसका साउंड सुनो, तो फ्रेंड्स आप इस दोनों को एक साथ चलाते हैं तो फिर बंद जाएगा हमारा हीटर। तो जैसे ही मैंने पहली बार इसको दबाया तो फिर तुरंत से तो गर्म हवा बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ फैन का हवा ही आ रहा है। लेकिन मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म हवा फील हो रही है, इतना भी गर्म नहीं जो कि आप मार्केट से हीटर आनते हो उस तरह से गर्म नहीं, लेकिन थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करना। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।